अकल नहीं है तुझे, शर्म नहीं आती, इबादत की रात को शरारत की रात बना लिया है। शबे बारात में क्या करना चाहिए और हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, हमारे घर में क्या कर रहे हैं, ये दो तीन बातें आपके सामने आनी है। शब ये फारसी लफ्ज है जिसके माने रात के हैं, बरियुन बारात से बना है। शबे बारात, बारात की रात, बरी होने वाली रात, जहन्नम से छुटकारे की रात। यहां तो शबे बारात ये है कि जहन्नम से छुटकारे की रात है, लेकिन हमारे नौजवानों ने इस रात को इबादत की नहीं शरारत की रात बना लिया है। माफी के साथ, किसी के दिल को दुखाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन तेरे अमल से गैरों को भी तकलीफ होती है। शबे बारात सिर्फ इबादत की रात है, इस रात को आना है, इबादत करनी है, अल्लाह को मनाना है, फजर की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज के बाद जाकर के सो जाओ, नहीं तो अपने कामों में जाओ, और रोजा भी रखना है। लेकिन ये रोजा फर्ज नहीं है, अगर कोई रखता है बड़ा सवाब है, नहीं रखता है कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। कोई सवाब की नियत से रख लिया है रोजा, अल्हम्दुलिल्लाह, जोर जबरदस्ती नहीं, और इतना एहतमाम भी नहीं करना है कि सहरी का इंतजाम किया जा रहा है और ऐलान हो रहा है कि रोजा खोलने का वक्त हो गया है, सहरी का वक्त हो गया है। रमजान के रोजों से मुशाबात नहीं करनी है, रमजान के रोजों का मकाम सबसे ऊंचा है। ये रोजा अगर कोई सवाब की नियत से रख लेता है, रखे अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से चरागा करना घर में, गैर कौमों की तरह जैसे दिवाली में वो लोग जलाते हैं, दीपावली में चराग वगैरह डालते हैं, हम भी ऐसे ही शुरू कर दे, फिर उनमें और तुम में फर्क क्या हो गया है। घर में हलवे बनाना, मिठाइयां बनाना और आज की रात की तरफ निस्बत करके खूब खाना सो जाना, ये कहां की इबादत है? ये इबादत नहीं है, इस रात में सिर्फ इबादत है ये सारी बात। और फिर हमारे नौजवान बेशरम ये गाड़ियों को उठाते हैं, बड़ा रोड कहां है उस रोड में जाते हैं, एक एक गाड़ी में दो दो लड़के, और उस उन गाड़ियों को पे पू करते हुए व्हीलिंग करता है, व्हीलिंग का मुकाबला करता है। ये रात अल्लाह ने तुझे व्हीलिंग के लिए दिया है? ये रात तो इबादत की रात थी, तूने शरारत की रात बना ली है। गैर कौम परेशान है कि मुसलमानों की इबादत की रात है या शरारत की रात है। तेरे तरफ से मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर कोई उंगली रखे ये तुझे अच्छा लगता है? फिर भी तू मुसलमान का बेटा है, अगर तेरा हाथ टूट गया, तेरा पैर टूट गया, वो तेरा बूढ़ा बाप क्या करेगा भाई? अकल नहीं है तुझे, शर्म नहीं आती, इबादत की रात को शरारत की रात बना लिया है। आना है, आकर के इबादत करनी है।